वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नंदी और आज मैं बनाने वाली टेस्टी से गुजिया। यस फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली टेस्टी से गुजिया। होली आने फ्रेंड्स, और होली में बिना गुजिया के तो बनती नहीं है। होली में सबके वहाँ गुजिया बनती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी गुजिया की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरी गुजिया की रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड, चलते हैं टेस्टी टेस्टी रेसिपी बनाने। गुजिया बनाने के लिए हम लोग लेंगे कटे हुए बादाम, काजू, किशमिश, इलायची पाउडर, दूध, चीनी पाउडर, खोआ। मैंने इस खोए को घर पे जलाया, आप मार्केट का भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग लेंगे सूजी। मैंने जितना सूजी लिया है उतना ही खोआ को ही लिया है। आधा किलो सूजी लिया है और आधा किलो खोआ लिया है। इसके बाद मैं मैदा ले लूँगी। मैदा मैंने करीब 1 kg लिया है। अभी मैं सबसे पहले मैदा को गूंथ लूँगी। हम लोग मैदे को ले लेंगे और इसमें रिफाइंड डाल देंगे मोयन के लिए। इसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। मोयन आपको अच्छे से मिलाना है। पहले थोड़े से आटे में आपको रिफाइंड को मिलाना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पूरे आटे में हम लोग मिलाएंगे, नहीं तो फिर गुठलियाँ बन जाएंगी। मैंने मोयन को अच्छे से मिला लिया है। अगर आपको मोयन समझना है तो ऐसे आपको आटे को लेना है और ऐसे इसको मुट्ठी में लेना है और दबा के देखना है। अगर ऐसे ये बन रहा है तो ये हो चुके हैं। अगर ये नहीं बन रहा है तो आपको इसमें थोड़ा सा और रिफाइंड डालने की ज़रूरत है। आप रिफाइंड की जगह घी भी ले सकते हो। अभी मैं इसका सॉफ्ट आटा लगा लूँगी। हम लोग का आटा लग चुका है। अभी मैं इसको ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। कढ़ाई को आपको गरम कर लेना है। इसके बाद जो मैंने सूजी ली है इसको डाल देंगे और इसको चलाते हुए हम लोग लाल भून लेंगे। सूजी को आपको एकदम अच्छे से भुनना है, बराबर चलाते हुए। इसको आपको एकदम बराबर चलाते रहना है। मैं इसको करीब 7-8 मिनट से भून रही हूँ। अभी मुझे इसको भुनने में कम से कम 2-3 मिनट और लगने हैं, क्योंकि इसको आपको एकदम अच्छा सा लाल से भुनना है। हम लोग का सूजी एकदम अच्छे से भुन चुका है। अभी मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद आपको इसको किसी थाली में निकाल के इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ऐसे हम लोग बर्तन को ले लेंगे और जो मैंने सूजी भुन के लिया था उसको ले लेंगे। सूजी मैंने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें चीनी पाउडर डाल दूंगी। चीनी पाउडर 350 ग्राम है और सूजी मैंने 1/2 kg लिया है। इसके बाद मैं इसमें कटे हुए बादाम, काजू और किशमिश को डाल दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूंगी। आप इसमें चिरौंजी और पोस्ता का दाना भी डाल सकते हैं। फिर इन सारी चीज़ों को हम लोग मिला लेंगे। चीनी को आपको एकदम बारीक पीसना है। इसके बाद मैं खोआ को डाल दूंगी और फिर इन सारी चीज़ों को हम लोग मिला लेंगे अच्छे से। ऐसे ही आपको सबको मिक्स कर लेना अच्छे से। इस बनावन को आपको थोड़ा सा नरम ही रखना होता है। मैंने जितना खोआ लिया था उससे ये नरम हो चुका है। अगर आपका थोड़ा सूखा हो तो आप इसमें 3-4 चम्मच दूध डाल सकते हो। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लगी है। अभी चलते इसको भरने के लिए। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अभी इसको हम लोग ऐसे एक बार और मिला लेंगे। अभी ये हो चुका है। अभी मैं इससे छोटी सी लोई लूँगी, इससे पेड़ा बना लूँगी और इसमें सूखा मैदा लगा के इसको बेल लेंगे। इसको आपको पतला बेलना है। ऐसे ही बेल लेंगे। उसके बाद हम लोग गुजिया का सांचा लेंगे और इस पे ऐसे पूरी को रख देंगे और उसके बाद जो हमने बरावन तैयार किया है उसको ऐसे बीच में भर देंगे। जितना ज़रूरत हो उतना ही भरिएगा, ज़्यादा मत भरिएगा। ऐसे आपको
बर्द लेना है, उसके बाद आपको पानी लेना है और इसके किनारों पे आपको ऐसे लगा देना है ताकि हम लोग की जो गुजिया है वो खुले नहीं। उसके बाद हम लोग पूरी को ले लेंगे और इसको ऐसे बंद कर लेंगे और फिर दूसरी तरफ से भी इसको ऐसे दबा के बंद कर देंगे। ऐसे आपको अच्छे से दबा लेना है ताकि पूरी तरीके से सील हो जाए। फिर इसके किनारों से जो अधिक मैदा है उसको निकाल लेंगे और फिर इसको धीरे से खोल लेंगे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से हम लोग की गुजिया तैयार हो चुकी है भर के। ऐसे ही आपको बाकी के गुजिया को भर लेना है। हम लोग का कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें रिफाइन को डाल दूँगी। इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है, हम लोग को जितना चाहिए। हम लोग का रिफाइन गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें गुजिया को डाल दूँगी तलने के लिए एक एक करके। गुजिया को बनाते समय आपको फ्लेम का ध्यान रखना है, आपको इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाना है, नहीं तो आपका जो गुजिया है वो खस्ता नहीं बनेगा। नीचे से ये हल्के से सिक चुके हैं, अभी मैं एक एक करके इसको पलट लूँगी। गुजिया को एक बार फिर हम लोग पलट लेंगे। आप देख सकते हो ये थोड़े थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम लोग इसको तब तक करना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हम लोग का गुजिया अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ऐसे ही आपको सारी गुजिया को तल लेना है। सो फ्रेंड, मेरी टेस्टी सी गुजिया बनके तैयार हो चुकी है। मैं आपसे बोलूँगी कि आप मेरी इस गुजिया की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी गुजिया की रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स।